हेलो प्रिंसिपल, मैम का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम जो है कुछ इस टाइप से फोटो एडिट करने वाले हैं, और वो भी बिना किसी बैकग्राउंड किसी और बिना किसी पीएनजी के। तो आप लोगों को इस फोटो को बनाने के लिए ना ही किसी बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी पीएनजी की जरूरत पड़ेगी, और बहुत ही ईजी तरीके से बनाया जा सकता है इसको पिकआर्ट एप्लीकेशन में, जो कि आप सबके पास होगा। नहीं होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जो है इसमें आप लोग को एक ही फ़ोटो, जो कि ये वाला फ़ोटो है, जो इसको क्रिएट करके दिखाऊंगा कैसे जो है बनाया जाएगा बिना किसी बैकग्राउंड पीएनजी के। तो आप लोगों को थोड़ा स्टेप भी ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ जो वर्क है वो चीज़ पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ है तो आप लोग जो है कुछ इस तरह से आप लोग फोटो जो है अपना क्रिएट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को जो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर बार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही उसे बेल नोटिफिकेशन जो क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह रिलेटेड जो वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूँ तो ऑटो नोटिफिकेशन जो है पहुँचती रहेगी। तो चलिए फिर हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपना जो है पिकआर्ट ओपन करेंगे। तो आप लोग कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, प्लस पर आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ऑल फोटो, और ऑल फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, और यहाँ से कोई भी जो है इसमें से कलर चूज कर लेना है। अब कलर चूज कर लेने के बाद कुछ इस तरह से आप लोग को जब आ जाएगा, उसके बाद से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर एक क्रॉप टूल्स का ऑप्शन मिल रहा है, टूल्स पर क्लिक करना है, क्रॉप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 3x4 मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे डन कर देना है। ओके, उसके बाद इतना जब हो जाएगा तब हमें क्या करना है, चलना है अपने ड्रॉ टूल में। ओके, ड्रॉ टूल में चलना है। उसके बाद से अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को मेन जरूरी है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो कलर जो ब्लैक कलर दिख रहा है इस कलर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो एक जो हाईलाइट कर दे रहा है ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना है। ओके, अब क्लिक करने के बाद इसका जो है हाईलाइट इसको क्या करना है, आप लोग को करीब 100 जो है 87 करना है। ओके, मैंने यहाँ पर 187 कर लिया। उसके बाद जो है इसका सेचुरेशन उसको 97 करना है, 97। तो यहाँ पर जो है हम पहले फुल कर लेते हैं और उसके बाद प्लस करते हैं, तो इसको 97 करना है, और इसका जो ब्राइटनेस है और उसको 31 करना है, यानी कि 31 कर देना है। तो हम जो है इसको 31 कर देते हैं। ओके, और अगर आप लोगों को ये डिजिट याद नहीं रहा तो एक बार क्या करिएगा, इसको एक वीडियो को जो है रोकर और इसको स्क्रीनशॉट इतने पर ले लें, ताकि फोटो जो एडिट करते समय आप लोग को परेशानी ना हो। इतना जब हो जाएगा तो क्या करना है, यहाँ से इसे डन कर देना है। डन हो जाने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है, उसके बाद इस प्लस वाला जो है ब्रश वाला चूज करना है, और ये वाला फर्स्ट चूज रहेगा, साइज और ऑफसेट 100 जो है पूरा फुल फोर करके उसके बाद से इस पर पूरा का पूरा ब्रश कर लेना है। ओके, पूरा पेंट कर लेना है। तो हम इसे फटाफट जो है पेंट कर लेते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि हम इस कलर को क्यों लिए हैं, तो हमारा जो है बैकग्राउंड जो है हमारा फोटो है कुछ इसी कलर का जो है, तो इसलिए मैंने जो है इसका बैकग्राउंड जो है इसी कलर में लिया। अब इस लेयर पर क्लिक कर लेना है, इसे जो है डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर हम जो है कुछ इम्पेटी लेयर बना लेंगे। ओके, यहाँ पर इम्पेटी लेयर बन गया, फर्स्ट वाला इम्पेटी लेयर में अपना जो है फ़ोटो लेकर आना है, और मैं जो उसे फ़ोटो को जो है ऐड कर लेता हूँ, कुछ इधर होगा तो खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, ये मिल गया। तो हम क्या करते हैं, इस फोटो को जो है ऐड कर लेते हैं, और आप लोग कुछ इस तरह फोटो बनाना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो है मैंने इस बनाया हुआ है और उसका ट्यूटोरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जो है कुछ इतना पर कर लेते हैं, या फिर आप लोग को लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में, तो आप लोग वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। क्यूट नहीं म्यूट करके इसे उसका जो थी है टाइटल है, आप लोग देख सकते हैं। तो इतना प्रकार के हम क्या कर लेते हैं, एक बार साइड में टाइप कर लेते हैं। इतना जब हो जाएगा तो क्या करना है, थोड़ा सा जूम करना है और ऊपर के साइड में यहाँ पर कर लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आप लोग को इमेज का जो ऑप्शन देना है इस पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद से फोटो पर क्लिक रहेगा, उसके बाद से ये वाला चीज आप लोग जो देख रहे हैं इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर उसके बाद से ये डब्बा वाला चूज करना है, नीचे आना है, पूरा फुल करें और यहाँ से इसे डन कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर क्या करना है, एक बार ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें इस ड्रॉ को क्या करना है, इस तरह से रोटेट कर लेना है। ओके, उसके बाद से यहाँ पर क्लिक करना है और इसे जो है थोड़ा सा लंबा करना है, जितना आप लोग को कट करना चाहें उतना आप लोग कट कर सकते हैं। तो हम जो है इतना कट कर देते हैं, और फिर नीचे आते हैं, नीचे भी सेम वही काम करते हैं, थोड़ा सा पतला में लंबा कर लेते हैं और इसे जो है रोटेट कर देते हैं। ओके, तो हम कुछ इतना पर इसको कट करते हैं, इतना पर ये कट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इधर से भी एक लेंगे और इसे भी वही काम रोटेट करना है, थोड़ा सा इसे पतला कर लेते हैं, और जितना आप लोग कट करना चाहें उतना कट कर सकते हैं। और इसके कट करने के बाद यहाँ पर साइड में टैप कर देना है। इतना जब हो जाएगा तो एक बार इस पर क्लिक करना है, फिर इस सिंगल वाला पर क्लिक कर लेना है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर जूम करना है। ओके, जूम हो जाएगा तो फिर आप लोग क्या करना है, इस कलर वाला चूज करना है, और यहाँ पर इस वाले पर चूज करके यहाँ से वाइट कलर करके डन कर लेना है। अगर समझ में आए तो वीडियो को जो है रिपीट कर लीजिएगा, चूँकि थोड़ा सा जो है मुश्किल है इस तरह करना। तो अब हमें क्या करना है, ब्रश का साइज़ क्या कर लेना है, देख लेना है कितना साइज़ है। तो ये वाला साइज़ रहेगा, इसको नहीं, ये वाला साइज़ चूज करना है इसका। अब इसमें हमें क्या करना है, ये एरो के बगल में जो फर्स्ट वाला पर है ये वाला है, इसे लेकर आना है, और इसका साइज़ हमें 4 कर लेना है। 4 हो गया, 4 करके हम डन कर देंगे।
उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला टैप करके, वो देखिएगा टैप मत किया जाएगा ना, तब जो है यहाँ पर कलर चेंज हो गया, तो टैप नहीं करना है, जस्ट पुश करके और तुरंत उसको जो है कलर को जो है चूज कर देना है। तो कुछ इस तरह से जस्ट करेंगे तो हमारा जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आप लोग सोच टेंड नहीं रुकेगा। ओके, तो इतना पर जब हो जाएगा फिर नीचे आ जाना है, वही काम क्या करना है, यहाँ पर एक बार क्लिक करके और कुछ इस तरह से बना देना है। तो अब देख सकते हैं कि ये जो हमारा था और यहाँ पर हमारा जो है कुछ लाइनिंग जो है गड़बड़ी आ गया, तो गड़बड़ हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, एक बार जो हम इसे बैक कर लेते हैं और एक इम्पेटी लेयर बनाते हैं और उसमें जो है इसे ऐड कर, उसके पास से क्या करना है यहाँ पर ऐसे करके और लेकर चलना है नीचे, तो ये हमारा परफेक्ट रहा। तो अब वो लेयर क्यों बनाया है, जबकि उस लेयर का कोई काम नहीं, तो हम आप लोगों को जो है एक गड़बड़ करके दिखा दे रहे हैं ताकि पता चल जाए आप लोगों को भी। तो मान लीजिए हम जो उस लाइनिंग से हमारा जो है कुछ अलग हट गया, मान लीजिए हम जो है मैंने इसे जानबूझ कर हटा दिया, तो अब क्या करना है जो लेयर क्लिक रहेगा, ओके, तो आप लोग इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से थ्रेड पर क्लिक करके ट्रांसफ़र करके और अपने हिसाब से इसे जो है मैनेज कर सकते हैं, जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारा मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ से हम डन कर देंगे, तो इतना जब हो जाएगा तो हम जो है इसे फाइनली यहाँ पर आप लोगों को डन का ऑप्शन है, फाइनली इसे डन कर देना है। ओके, तो हम जो है इसे फाइनली डन कर दिया यहाँ पर। अब इतना जब हो चुका है तो यहाँ पर आप लोग को एक बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर बॉर्डर का, तो इसे बॉर्डर को जो है ये ऊपर वाला आउटलाइन जो है इसे कम कर लेना है और यहाँ पर वाइट जो है ये वाला इसे 4 कर लेना है, 4 है 3 कर देना है। ओके, 3 करके हम इसे डन कर देंगे। यहाँ पर ये फोटो हो चुका, अब इसे क्या करना है, फिर से ड्रॉ टूल में चलना है और ड्रॉ टूल में चल के इसे इमेज को सेव कर लेना है। ये हमारा जब तक सेव होगा, फिर उसके बाद से हमें क्या कर लेंगे, जब सेव हो जाएगा तो फिर कट करेंगे और फिर हमारा जो है फोटो इतना ही पर रहेगा, इसको जो है बैक नहीं करना है, फिर कुछ भी नहीं करना है, इसने इतने पर रह देना है। उसके बाद से हमें चलना है यहाँ पर आप लोगों को एफएक्स मिलेगा, इस एफएक्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ब्लर वाला पर पहले चूज करना है और ब्लर में इस ब्लर को सेकेंड वाला चूज कर लेना है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से इसका जो है आप लोग अपने हिसाब से इसका फेड या फिर ब्लर बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, तो हम जो है इसका 12 रख लेते हैं, यानी कि 12 या फिर 13 अप्रॉक्स रख कर इसे जो है डन कर देते हैं। इतना जब हो चुका है हमारा फोटो जो है ब्लर हो चुका, तो फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक आप लोग को ऐड फोटो का ऑप्शन मिलेगा, उस ऐड फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो अभी इमेज जो आप लोग सेव किए हैं ये फर्स्ट में रहेगा, उसे फिर से हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ओके, तो हम जो है इसे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा रोटेट करना है और इसे बड़ा कर लेना है, तो ये कुछ इतना पर हमारा हो जाएगा और हमें क्या करना है, इतना पर करके इसे डन कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है फोटो ये वाला रेडी हो चुका। अब हमारा कुछ जो है PNG जो है ऐड करना है, तो हम जो है उसे ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और उस PNG को, 2 PNG को लेकर आना है। अब इस PNG को कैसे डाउनलोड करना है ये मैं अभी वीडियो को लास्ट में बता दूंगा, सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए। तो हमें इस PNG को साइड कर देना है, इस वाले का क्या करना है, यहाँ पर नीचे आप लोग आना है, ब्लाइंड पर क्लिक करके इसे स्क्रीन कर देना है। ओके, स्क्रीन करके क्या करना है कुछ इस तरह से इतना सेव कर लेना है, फिर इस वाले को लेकर आना है, इसे भी वही काम करना है, ब्लाइंड पर क्लिक फिर स्क्रीन और इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा चूँकि बहुत छोटा है, तो कुछ इतना पर करके इसे डन कर देना है। यहाँ पर डन हो चुका है हमारा फोटो। अब हमें क्या करना है, ऐड फोटो पर क्लिक करना है, सॉरी ऐड फोटो पर नहीं, यहाँ पर आप लोगों को एक टेक्स्ट का जो है मिलेगा सिंबल, इस टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है और हम जो है यहाँ पर फिलिंग सॉन्ग जो है टेक्स्ट जो है ऐड कर लेते हैं और यहाँ से फिलिंग सॉन्ग लिखकर हम डन कर देते हैं फाइनली। अब हमें इसमें फंड कौन सा यूज करना है, तो यहाँ पर आप लोग को जो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये वाला फंड मिलेगा, जो कि कितने नंबर पर, 2, 3, 4, 5 नंबर पर आप लोग को ये वाला फंड मिलेगा और सबके पी कार्ड में रहेगा। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर ऊपर के साइड में इसे सेट करते हैं। तो इतने ही करके इसे डन नहीं करना है, नीचे आप लोग का यहाँ पर आना है और यहाँ पर शैडो का ऑप्शन मिलेगा, कलर चूज करना है, कलर को ब्लैक कर देना है और यहाँ से इसे डन कर देना है। इतना जब हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना है, एक और चीज़ ऐड करना है और यहाँ से ये वाला PNG को लेकर आना है। इस PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और जो भी यूज कर रहा हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसे डाउनलोड करना है ये चीज़ बता दूंगा आपको लास्ट में। तो इसे जो है कुछ इतना पर करके हम इसे डन कर देते हैं। तो अब हमारा फोटो जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ टूल में चलेंगे और इमेज को जो है सेव कर लेंगे, यहाँ से थ्री डॉट क्लिक करके इमेज को सेव कर लेंगे। तो रही बात इसको डाउनलोड करने की प्रोसेस, तो इसके गुप्ता लिंक मिलेगा, आप जाकर वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरा सेकंड चैनल पर जाइए तो इसका वीडियो भी बना हुआ है जो कि आप लोग जाकर देख सकते हैं और अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद है जो है आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए और मेरे चैनल पर भी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन क्लिक करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।